हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कंगन घाट, जो कि हमारे पटना सिटी में है। तो ये कहाँ पे है? जैसा कि आप लोगों को पता है, पटना सिटी में गुरुद्वारा बहुत फेमस है। तो गुरुद्वारा के जस्ट अपोजिट साइड में आपको रास्ता मिलेगा, वहीं पे आपको एक बड़ा सा बोर्ड भी दिखेगा जिस पर लिखा होगा कंगन घाट। तो आपको सीधे उसी रास्ते में जाना है। जैसा कि आप लोग अभी वीडियो में देख रहे होगे, यहाँ पर आप आते ही आपको दो रास्ता मिलने वाला है। आप किसी भी एक रास्ते में जाओगे, आपको सीधा डायरेक्ट कर देगा कंगन घाट की तरफ। तो आप लोग देख सकते हो, अभी मैंने इस रास्ते को चूज किया और इस रास्ते में आप लोग देख सकते हो सीढ़ी है। एंड अभी सामने से जाएंगे, एंड अगर आप लोग अपोजिट वाला रास्ता लेते तो उसमें ना स्लाइड टाइप का था, उसमें सीढ़ी नहीं था। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर, एकदम पुराने जमाने जैसा एकदम से बना हुआ है। एंड आपको ऐसे करके निकलना है, और दूसरा रास्ता से अगर आप लोग आते तो इसी रास्ते में आते आप लोग। सो गाइस, यहाँ पर ना एक और गुरुद्वारा है, उसको मैं जाते जाते आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सो फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गई, और ये रहा कंगन घाट। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो, अभी दोपहर का टाइम है तो अभी उतना ज़्यादा भीड़ आपको नहीं दिखेगा। बाय द वे, ये रहा कंगन घाट। एंड यहाँ पर आपको दिखने वाला है कि यहाँ पर जगह जगह ना बेंच वगैरह लगा हुआ है, एंड आपको चार पांच ऐसे गुंबद दिखने वाला है, गुंबद टाइप का। एंड वहाँ भी सीमेंट से पूरा बैठने का जगह बना हुआ है। और ये रहा गंगा जी, जो कि हम लोग कंगन घाट कहते हैं इसको। एंड यहाँ ना मतलब कि लोग शाम के टाइम में ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है, और यहाँ पर शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रहता है। एंड सुबह में भी मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। और अभी तो दोपहर का टाइम हो रहा है, एंड अभी धूप भी बहुत ज़्यादा है, सो अभी उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। बट फिर भी जो घूमने वाले हैं वो तो आते ही रहते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आने का कोई टिकट वगैरह कुछ भी नहीं है, आप लोग यहाँ पर आके बैठ सकते हो। एंड यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, एंड शाम के समय में। सो गाइस, यहाँ पर ना शाम में बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है। अभी आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा कि यहाँ पर ना थोड़ा क्या आप लोगों को दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा धूल चल रहा है, इतना हो रहा है कि मतलब कि पूरा हाथ एकदम से लग रहा है ना कि मोबाइल छूट के गिर जाएगा, इतना ज़्यादा अभी जोर का हवा चल रहा है। अगर आप लोगों को आना होगा तो आप लोग मॉर्निंग या फिर इवनिंग के टाइम में आ सकते हो, वो टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ गाइज, यहाँ पर ना इस घाट पर कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, जैसे कि मतलब आप लोगों को साबुन सर्फ ये सब इस नदी में यूज नहीं करना है, शैम्पू वगैरह। तो ये ऐसा कुछ रूल है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अभी चलिए चलते हैं अभी दूसरा गुरुद्वारा जो हमारे कंगन घाट के बगल में बना है उसको दिखाने के लिए। वो गुरुद्वारा भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड गाइस, ये रहा गुरुद्वारा, जो कि दूसरा गुरुद्वारा है। एंड चलिए इसके अंदर चलकर आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइस, ये वाला गुरुद्वारा ना उस वाले गुरुद्वारा से थोड़ा सा मतलब छोटा है, एंड इस वाले गुरुद्वारा में लंगर वगैरह कुछ नहीं होता है, तो बस आपको यहाँ पर माथा टेकना है। सो गाइज, अंदर तो वीडियो बनाना बिल्कुल बंद था, मतलब कि वीडियो अलाउड नहीं था। तो गाइज, अभी आप लोग देख सकते हैं ये वाला गुरुद्वारा कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड ये पूरा गोल गोल बस यही एरिया ही है इस गुरुद्वारा का, बस इतना सा ही है और बाकी कुछ भी नहीं है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, आपको मैं थोड़ा सा अंदर दिखा देती हूँ। ये अंदर में ही गुरुद्वारा है, और यहीं पे आप लोगों को जो भी होता है सिख लोगों का वो पूजा वगैरह वो सब यहाँ पर होता है। बस यही इस गुरुद्वारा में बस आपको यही चीज़ है एक, और इसके अलावा आपको इस गुरुद्वारे में कुछ भी नहीं मिलेगा, एंड कोई भी घूमने का प्लेस नहीं है यहाँ पर। ऐसे आप लोग अगर चाहो तो यहाँ पर बैठ सकते हो, एंड वैसे फ़ोटो वगैरह लेना अलाउड नहीं है, और बस इतना ही है इस वाले गुरुद्वारा में, अदरवाइज आपको और कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी चलते हैं इस यहाँ से बाहर, एंड आपको यहाँ पर दिख जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा कोर्टयार्ड वगैरह है। एंड अभी आप चलते हैं बाहर। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से, एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।